हेलो डी स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 41 फोर क्लास 8 मैथमेटिक्स की बच्चों वर्कशीट है, जो आपके लिए 24 दिसंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। बच्चों हम करेंगे आइडेंटिटीज एंड देयर एप्लीकेशंस। वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट आइडेंटिटी एंड इट्स एप्लीकेशन। Do you know what is an identity? You have seen water and ice. Both are same, but form are different. Identity क्या होती है बेटा? Identity मतलब कि उनकी जो आप कह सकते हो कि basic form जो है वो उनकी same होती है, लेकिन वो दिखने में वो different होते हैं. Similarly, identity is an equality in which left hand side and right hand side are in different form. उनकी form जो है, यानी देखिए जैसे water है, water और ice, ये दोनों ही क्या है, ये दोनों ही same है, लेकिन दिखने में दोनों अलग है। दोनों का formula same रहेगा लेकिन दिखने में दोनों अलग है। यही identity के साथ है। जब हम identity पढ़ते हैं, यानी दोनों ही क्या है, equal है but different form होती है। So but both are same for every value of variable which will be put in it. जब कोई भी variable जो हम दोनों में put करेंगे वो answer हमारा same आएगा, ठीक है, लेकिन जो variable है उसकी value हमारी same होनी चाहिए। This is obtained by multiplying a polynomial with another or same polynomial, ठीक है। So हम इसको समझेंगे। देखिए दिया गया है left hand side equal to right hand side, हमें दिया गया है x plus 3 एंड एक्स प्लस 5। इसको जब हमने सॉल्व किया, कैसे सॉल्व किया, x को हमने x से मल्टीप्लाई किया, कितना आया x स्क्वायर। जब हमने x को x से मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर आया। अब इस x को हमने इस 5 से किया तो कितना आया 5x आया। तो यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ x स्क्वायर प्लस आ गया 5x। अब हमने इस 3 को इस x से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 3x आया। और इस 3 को हमने y 5 से किया तो कितना आ गया हमारे पास 15 आ गया। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, x स्क्वायर प्लस 5 और 3 कितने हो गए 8x प्लस 15। तो ये हमारी आइडेंटिटी आ गई। अब अगर हम x की वैल्यू 6 रखें, यहां पर भी 6 रखें और राइट हैंड की तरफ भी x की वैल्यू जो हमारा वेरिएबल है उसकी वैल्यू हम 6 रखेंगे तो क्या आएगा। देखिए x प्लस यहाँ पे 6 रखा तो 6 प्लस 3 6 प्लस 5, तो 6 प्लस 3 कितना आ गया 9 और 6 प्लस 5 आ गया 11, आंसर आ गया 99। यहाँ पर भी हमने x की वैल्यू 6 रखी तो 6 का स्क्वायर प्लस 8 इंटू x की वैल्यू 6 है प्लस 15, सॉल्व किया तो आंसर आ गया 99। अगर x की वैल्यू 1 रखते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 24। यहाँ पर भी अगर x की वैल्यू 1 रखते हैं तो आंसर आता है 24। यानी लेफ्ट हैंड साइड वो हमारी किसके इक्वल है बेटा, राइट हैंड साइड के इक्वल है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है वेरिफिकेशन ऑफ इक्वलिटी ऑफ राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड। तो वेरिफिकेशन हमने की, हमने क्या किया, यही जो हमने अभी यहाँ पे किया है उसमें देखिए क्या किया है, x स्क्वायर ये हमारे पास 99 आया। जब हमने x की वैल्यू यहाँ पे 6 पुट की तो हमारे पास आया 99। राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड हमारी दोनों जो है बराबर आई जब हमने दोनों तरफ वेरिएबल की वैल्यू कितनी रखी है 66। लेकिन अगर हम इस तरफ, ठीक है, राइट हैंड की तरफ x की वैल्यू 6 ना रख के अगर हम 4 रख देते हैं तो हमारा आंसर 63 आता है। आप इसको सॉल्व करके देखिएगा, आंसर जो है 63 आएगा आपका। 4 का स्क्वायर प्लस 8 इंटू 4 15 16 आ गया प्लस 32 एंड 15, तो आंसर 63 आया। जबकि राइट हैंड साइड हमारी किसके इक्वल है, 99 के इक्वल है। सो हमारा अगर हम डिफरेंट वेरिएबल रखते हैं तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं होगी। सो एक्स इज इक्वल टू 4 इज नॉट अ सॉल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, यहां से नेक्स्ट हमें यहाँ पे स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज दी गई हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं आपके लिए जो आपको समझने हैं और करने हैं। सो स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज दी गई हैं, इसमें ए दिया गया है, देखिए ए प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला है आपको जो दिया गया है, इसको आपको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व, देखिए यहाँ पे हम इसको सॉल्व करके बता रही हूँ मैं आपको समझाने के लिए। सो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, a प्लस बी और इसको हमने लिख दिया a प्लस बी, ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको जब मैं सॉल्व करूंगी तो देखिए a को a से मल्टीप्लाई किया कितना आ गया a स्क्वायर, a को इससे भी किया हमने तो कितना आ गया प्लस ए बी। अब इस b को मैंने इस a से किया तो प्लस ए बी, और इस b को मैंने इस b से किया तो आ गया प्लस बी स्क्वायर।
तो अब इसको कैसे लिख सकते हैं, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस ए के बी, ए के बी कितना हो गया 2ab, ठीक है ना। तो यही हमारी आइडेंटिटीज आ गई। ओके, तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया। ए प्लस बी स्क्वेयर को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab। बी देखते हैं, फॉर्मूला है ए माइनस बी स्क्वेयर। बेटा इनको जो है बिल्कुल अच्छे से लर्न कर लीजिए। ए माइनस बी का स्क्वेयर है तो ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab हो जाएगा। तो याद रखेंगे, माइनस है तो माइनस 2ab हो जाएगा, प्लस है तो प्लस हो जाएगा। सेम इसी तरह इसको सॉल्व करेंगे, a माइनस बी को हम क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी और एक बार फिर से a माइनस बी, ऐसे लिख सकते हैं इसको हम। आप देखिए, a को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा ए स्क्वेयर, इस a को फिर b से करेंगे तो आ जाएगा माइनस ए बी, अब b को a से करेंगे तो आ जाएगा माइनस यहाँ पे ए बी, ठीक है, और b को b से करेंगे तो आएगा माइनस, यहाँ पे आ जाएगा माइनस, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस बी स्क्वेयर। अब यहाँ पे आ गया ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर और ये माइनस, तो क्या हो गया, जोड़ देंगे इनको माइनस 2ab, ये हमारा आंसर आ जाएगा। सी देखते हैं, a प्लस बी ए माइनस बी, तो ये क्या आ जाएगा, a को a से मल्टीप्लाई किया ए स्क्वेयर, ए को इस b से किया तो माइनस ए बी, अब b को a से किया तो प्लस ए बी, और b को b से किया तो माइनस बी स्क्वेयर, ठीक है, माइनस बी स्क्वेयर। ए बी से ए बी कट गया तो क्या आ गया, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा। अब ये मैं आपको बताऊंगी एक न्यू ऐप के बारे में जो स्टूडेंट्स में काफी जल्दी पॉपुलर होती जा रही है। चाहे कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो या कोई कॉन्सेप्ट ना समझ आए, बोर्ड्स हो या GNEET, पढ़ाई में कोई भी दिक्कत आ रही हो तो उसका सॉल्यूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट्स को किसी भी टाइम क्लियर करें इन दीज 3 इजी स्टेप्स। सबसे पहले इस ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर लें, अपने फ़ोन नंबर से इजीली साइन अप कर लें, अपने क्वेश्चंस का पिक्चर लें या उसे टाइप करके सबमिट करें, और फिलो आपको 60 सेकंड्स में इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से लाइव कॉल पे कनेक्ट कर देगा। आपके क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है, अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट, इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220, तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर। अब अगर कोई आपको और डाउट है तो बताइए। नो सर, थैंक यू। सो गाइज, इट्स जस्ट सिंपल, हैव एनी क्वेश्चन जस्ट आस्क फिलो। इस ऐप का डाउनलोड लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, सो डाउनलोड फिलो नाउ। दिया गया है डी एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो एक्स को एक्स से किया तो कितना आया, यहाँ पे मैं सॉल्व कर रही हूँ बेटा, एक्स को एक्स से किया तो एक्स स्क्वेयर आ गया, x को b से किया तो प्लस एक्स बी आ गया, अब इस a को x से किया तो प्लस ए एक्स आ गया, और इस a को b से किया तो प्लस ए बी आ गया। तो अब इसमें क्या किया हमने, एक्स स्क्वेयर प्लस, यहां से एक्स एक्स है तो कॉमन निकाल लिया और हमने लिख दिया a प्लस बी, ठीक है, और प्लस ए बी हमारे पास था ही, तो ये यही आ गया बिल्कुल ये वाला, ठीक है। तो यहां से आप इसको जो है समझ सकते हो। तो ये केवल समझाने के लिए था, इसको आपको कॉपी में करने की नीड नहीं है, ठीक है, तो आपको ये याद करने हैं। अब हम करेंगे, कुछ एग्जांपल दिए गए हैं, लेट्स अंडरस्टैंड। तो कुछ एग्जांपल दिए गए हैं जिनको हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फाइंड y+5 यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटी। तो y+5 को हम क्या लिख सकते हैं, y+5 स्क्वायर यानी a प्लस बी का स्क्वायर। सो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab। बहुत सिंपल है बेटा, a हमारे पास क्या है, यहाँ पे a हमारे पास y है, b हमारे पास 5 है, तो इस फॉर्मूले में a और b की वैल्यू पुट कर दीजिए, y स्क्वायर प्लस 2xy इनटू 5 प्लस b क्या है 5 है, तो 5 स्क्वायर y स्क्वायर 5 2 10 y आ गया ना, तो 10y प्लस 25। तो ये जो है फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, फाइंड x+5 x+3 यूजिंग आइडेंटिटी। सो हम आइडेंटिटी यूज करेंगे, ये हमारा फॉर्मूला बन गया x+a x+b स्क्वायर प्लस ए बी, एक्स आएगा यहाँ पे ए बी प्लस ए बी, ठीक है, देखिए ये फॉर्मूला है ना, तो यहाँ से x+5 x+3 एक्स स्क्वायर प्लस 5+3, ए बी क्या है 5+3 और x+15 कैसे आया बेटे, ये ए बी है ना, 5 × 3 15 आ गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस 8x+15। क्वेश्चन 3 है, फाइंड 3a - 2b स्क्वायर। तो यहाँ पे आ गया, आइडेंटिटी यूज करेंगे a माइनस बी स्क्वेयर, तो a क्या है यहाँ पे 3a है, a किसके इक्वल है, तो आपको बस यही चीज ध्यान रखनी है, और b क्या है यहाँ पे हमारा 2b है, सो a माइनस बी का स्क्वेयर। सो यहाँ पे हमने लिख लिया फॉर्मूला, आप देखिए यहाँ पे a है 3a, तो 3a का स्क्वेयर लिख दिया, 2 × 3a × b है हमारे पास 2b, और प्लस 2b का स्क्वेयर, तो 9a² - 12ab + 4b² ये हमारा आइडेंटिटी आ गई।
नेक्स्ट है क्वेश्चन फोर, फाइंड 4z-3y, 4z+3y. सो ए प्लस बी ए माइनस बी फॉर्मूला बन गया, तो क्या आ गया, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर. तो यहां से हमने इसको सॉल्व किया, तो देखिए इसको आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो बहुत अच्छे से. तो हमने इसको किया, देखिए ए हमारे पास क्या है 4z है और बी हमारे पास 3y है. तो ए का स्क्वेयर किया तो 4 4 जा 16 z स्क्वेयर, और बी स्क्वेयर किया तो 3 3 जा 9 y स्क्वेयर. ठीक है, अगर आप इसको सॉल्व करना चाहो तो यहां से ऐसे भी कर सकते हो, 4 4 जा कितना हो गया 16 z स्क्वेयर. अब 4z को आप 3y से करोगे तो कितना आएगा, -12 z y. उसके बाद देखिए अब 3y को 4z से करोगे तो +12 z y, और 3y को 3 से करोगे तो -9 y स्क्वेयर. अब ये इससे कट जाएगा तो आपका आ गया 16 z स्क्वेयर -9 y स्क्वेयर. ठीक है, तो इस तरह से भी आप इसको सॉल्व करके देख सकते हो. नेक्स्ट देखिए, तो ये हमारे एग्जांपल हो गए. अब आप क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो. लेट्स डू देम सम अप्लाइंग सम सूटेबल आइडेंटिटीज. तो आइए बेटा करते हैं हम चारों क्वेश्चंस को सॉल्व. सो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है यहाँ पे 5x-4y स्क्वेयर. एज वी नो द फॉर्मूला ए माइनस बी का स्क्वेयर है, तो ए स्क्वेयर माइनस बी 2ab+b स्क्वेयर लगा दीजिए. ए ये चीज है बस, ये जो लाइन है ना ये आपको बहुत ध्यान से समझ लेनी है और फिर लिख देना है बस. ए क्या है यहाँ पे, ए 5x है, बी 4y है. फॉर्मूला यूज करेंगे 5x-4y स्क्वेयर. ठीक है, तो देखिए 5x का स्क्वेयर माइनस 2 × 5x+4y+4y स्क्वेयर, तो आ जाएगा 5 5 = 25x² - 40xy. 4 5 = 20, 22 = 40. तो 40xy+16y². ठीक है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर. नेक्स्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन, 2a-7b स्क्वेयर. बाय यूजिंग फॉर्मूला, फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा a माइनस बी का स्क्वेयर, सो a² + b² - 2ab. a है 2a और b है 7b, सो 2a-7b स्क्वेयर. सो यहाँ पे देखिए 2a² - 2 × 2a × 7b. देखिए ये जो फॉर्मूला है बस इसमें ये वाली वैल्यूज इस फॉर्मूले में पुट करनी है आपको. सो यहाँ से आप सॉल्व करेंगे 7 2 = 14 14 2 = 28ab + 49b स्क्वेयर. ठीक है, ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा. थर्ड क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 है 7z + 3y. सो क्या है ये हमारा हो जाएगा x मान लिया हमने, ये भी x है, तो x + x क्या आ गया x², तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं. आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं a + b² दैट इज a² + 2ab + b² ठीक है, तो a की वैल्यू हमने लिख दी यहाँ पे 7z, b की लिख दी हमने 3y, तो 7z + 3y इसका स्क्वेयर आ गया. ठीक है, तो इसको हम बस सिंपल हमने इस वाले फॉर्मूले में पुट कर देने हैं 7z² + 2ab + 3y² 3y², सो 49z² + 42zy + 9y. तो इसको सिंपल तरीके से सॉल्व कर दिया बेटा, और कुछ नहीं किया हमने इसको. ठीक है, जैसे हमने एग्जांपल किए सेम इसी तरह कर दिया. प्रैक्टिस करोगे कोई दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल आसानी से इनको कर सकते हो. क्वेश्चन नंबर 4 है z + 4z + 5. फॉर्मूला है x + a x + b. अब यहाँ पे देखिए x + a, ये इसको ही तो लिख सकते हो x + a x + b. तो x क्या है, x तो z है. ठीक है, x क्या है यहाँ पे, x z है, और a क्या है यहाँ पे, a 4 है, b क्या है यहाँ पे, b 5 है. सो x² + a + b x + a b, तो ये फॉर्मूला बन गया. आप लिख दीजिए, सो इसमें आप लिख देंगे z + 4 z + 5 है ना, सो z² हमारे पास x जो z² प्लस a प्लस b है, तो 4 + 5, x की जगह z आ जाएगा, a b की जगह 4 × 5 आ जाएगा, z² + 5 4 9 हो गया, 9z + 20. ये जो है बहुत सिंपल है आंसर, बस आपको फॉर्मूला देखना है और क्या दिया गया है, ए बी क्या है, वो हमें यहाँ से निकाल लेने हैं और फिर फॉर्मूले में डायरेक्ट पुट कर देने हैं और सॉल्व कर देना है. सो इस तरह से ये आप कंप्लीट कर लेंगे. तो ये हो गई आपकी आज की मैथ्स की वर्कशीट बेटा. आई होप आपको ये क्लियर है. कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो. वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे.